अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद असद अली है। होम एंड योर मार्केटिंग में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ। आज हम मेन गुलशन मेमार में तक सार्किट पे आए हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूम के लिए हम मलिक मोहम्मद इरफान साहब से मुलाकात करेंगे, जो इस प्रोजेक्ट के बानी है। तो आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त को। मैं सब आपने अपना कीमती वक्त निकाला सर। बस आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल थे जो हम चाह रहे थे कि आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट के हवाले सवाल था हमारा मलिक साहब के, आपकी प्रोजेक्ट की लोकेशन तो गुलशन मेमार में बहुत अच्छी लोकेशन पर से, कुछ लोकेशन के बारे में बताएंगे सर आप? ये सर जो गुलशन मेमार का सेक्टर Y2 है, और गुलशन मेमार के सेक्टर Y2 के कमर्शियल एरिया है, SB प्लॉट से उसमें ये प्रोजेक्ट है। मेन 200 फीट रोड पे। अक्सर आपने देखा है मुख्तलिफ बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट की जो इश्तहार करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं कि गुलशन मेमार से चंद मिनट के फासले पे या 5 मिनट के फासले पे, चंद कदम के फासले पे, इस तरह नहीं। ये गुलशन मेमार के बाउंड्री वॉल के अंदर उनके सेक्टर Y2 में उनके प्लॉट पर ये प्रोजेक्ट वाक़ है टक्स आर्केट के नाम से। अच्छा मलिक साहब, हमें आप इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो लोगों का होता है वो होता है SBC की NOC, वो भी फॉर सेल के लिए। तो क्या आपके पास टक्स आर्केट में SBCA की फॉर सेल की NOC मौजूद है या नहीं है सर? सर डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से गुलशन मेमार पूरी कराची में मैं कहूँगा सबसे ऑथेंटिक सोसाइटी है। इसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत और क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसकी ये खूबी है कि जब तक आपके पास तमाम इदारों की NOC और नक्शे अप्रूवल नहीं होता, गुलशन मेमार आपको प्लाट की पोजीशन भी नहीं देता। तो ये सामने मेरे पास फाइल मौजूद है, आप फिज़िकली आके हर क्लाइंट विजिट भी कर सकता है। यहाँ सर्वे ऑफ पाकिस्तान की NOC मौजूद है, सिविल एविएशन की NOC मौजूद है, SBCA के चलान सारे मौजूद हैं, SBCA के आर्किटेक्चर अप्रूवल मौजूद है, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह NOC फॉर सेल भी SBCA की मौजूद है हमारे पास। और हमने ये तमाम NOCs लेने के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, और अब हम इसको सेल करें ताकि क्लाइंट को एक अथलेटिक प्रोजेक्ट, हर लिहाज से क्लियर प्रोजेक्ट मिलेंगे। और फाइनली इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा सर। अल्लाह के फजल व करम से हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, और लोअर ग्राउंड की पहली छत जो है 3 से 4 दिन में डल जाएगी। अल्लाह के फजल व करम से तमाम मटेरियल, एक नंबर मटेरियल यूज़ किया गया है, फिजान स्टील का सरिया है, लकी सीमेंट है, उसके बाद जो इसमें प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिक का भी सामान यूज़ होगा वो भी सबसे एक नंबर हाई क्वालिटी का इम्पोर्टेड सामान यूज़ होगा। हमारी कंपनी का मोटो है कि क्वालिटी में हम किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और इंशाल्लाह ताला ये जो हमने शेड्यूल दिया हुआ है, 24 महीने का शेड्यूल दिया हुआ है हमने, 24 महीने में अल्लाह के फजल व करम से हम दूसरे बिल्डर्स की तरह नहीं है कि आपको लेट करेंगे। आप आके ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, 24 महीने में हम आपको पोजीशन देंगे। बिलफर्ज अगर 24 महीने में पोजीशन ना दे सके तो 25वें महीने के कंपनी आपको रेंट पे करेगी, ये हमारा मोटो है इंशाल्लाह ताला। और इस प्रोजेक्ट में स्टैंड बाय जनरेटर है, 4 फ्लोर में लिफ्ट है, RO प्लांट है, CCTV कैमरा सिक्योरिटी है, तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कराची में इससे पहले किसी बिल्डर, किसी प्रोजेक्ट जो 4 फ्लोर के प्रोजेक्ट हैं उसमें नहीं दिया गया इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें दावत दी अपने प्रोजेक्ट में बुलाने के लिए सर। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा मलिक साहब ने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया। मेरे पीछे यहाँ पे आप काम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियली ओपनिंग हम करने जा रहे हैं जो कि 7 जनवरी 2023 भरोस हफ्ता, अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा क्योंकि हम आपका इंतज़ार करेंगे।